हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनोमैनिया। जैसे कि मेरा कुछ स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर इन्वेस्टमेंट का बारे में और डेप्रिसिएशन का बारे में अगर थोड़ा और क्लीन से समझा देते तो सुविधा होता। तो उन लोग का रिक्वेस्ट से ही टुडे आई डिसाइडेड टू गिव अ स्मॉल क्लास डिपेंडिंग अपॉन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सो दैट द कंसेप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी मोर क्लियर टू एवरी वन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रेजेंटेशन से। इस प्रेजेंटेशन हम लोग देख पा रहे हैं, पहले लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हम लोग जो भी करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में ही करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग ए ईयर। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक मतलब एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग जैसे जानते हैं हम लोग का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कोई एक साल ले लो, समझ लो 2019 से 1 अप्रैल से 2020 31 मार्च तक एक अकाउंटिंग ईयर। इस अकाउंटिंग ईयर में तुम्हारा 2019 का जो तुम्हारा 1 अप्रैल, समझ लो तुम्हारे पास 5 सेविंग मशीन था, सारा साल तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट से तुम नया फिर सेविंग मशीन खरीदा, इस तरीके से हिसाब करके हम लोग देख रहे हैं। उसी साल एकदम लास्ट में, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर 2020 में, फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होता है, दैट इज़ 31 मार्च को, तुम्हारे पास 7 स्विंग मशीन है। तो पहले था 5, अभी हुआ 7, ये 7 से 5 माइनस करने से आ रहा है 2, तब ये 2 को हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स को इसको सिंपली मोटा लैंग्वेज में लोग बोल सकते हैं दिस इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट। अब एंड चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो चेंज हुआ कैपिटल, तुम्हारा जो फिक्स्ड एसेट्स था, मशीन को हम लोग प्लांट्स को फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, पहले फिक्स्ड एसेट्स था कितना 5, और फाइनेंशियल ईयर का एकदम अंत में आके हुआ 7। तो ये 7 से 5 जो माइनस कर रहे हैं, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में कहते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जिसको डेल्टा के देके रिप्रेजेंट करते हैं। देखो स्क्रीन में भी डेल्टा के देखे, मेरा जो रेड बटन पर रहा तुमको दिखाई मिल रहा है, रेज बटन में, यह है डेल्टा के। ये डेल्टा के देके हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेंज इन तुम्हारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब तुम्हारा था 5, अंत में हुआ फाइनेंशियल ईयर का अंत में हुआ 7, तो तुम्हारा कैपिटल कितना फॉर्म हुआ ना 2। सो द टर्म इन्वेस्टमेंट आई एंड कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एज सिनोनिम। इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, ये 2 टर्म को हम लोग इकोनॉमिक्स में इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इसीलिए देखो लास्ट में लिखा हुआ है दैट इज आई इक्वल टू डेल्टा के। आई इक्वल टू क्या है, डेल्टा के। नेक्स्ट, ये जो नाउ द इन्वेस्टमेंट कैन अगेन बी ब्रोकन इन टू 2 कॉन्सेप्ट्स, वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। देखो 2 कलर से मैं 2 को रिप्रेजेंट किया, इसके बाद जो भी चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे, पर्पल या वायलेट जो कलर है उससे रिप्रेजेंट करेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को, और ग्रीन कलर से इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को। तो ये जान लेना जरूरी है कि इफ इन्वेस्टमेंट हैज 2 पार्ट, वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, देन विच पार्ट इज नोन एज एक्चुअली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक आया, देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उस कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर तो तुम लोग को समझाएं कि अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या है ना, जिस एक हम लोग जैसे हम लोग के एग्जाम्पल में जैसे मैं बोला था कि 2019 का 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, तो वो ख़त्म कब होगा ना नेक्स्ट ईयर 2020 में 31 मार्च। ये एक साल में, एक साल को मैं फाइनेंशियल ईयर पकड़ के चलता हूँ इकोनॉमिक्स में, ओके। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है ना, एस एफ ए एट द ई ए वाई माइनस एस एफ ए एट द बी ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस एफ ए। मतलब एस एफ ए मतलब स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब ई ए वाई या बी ए वाई में जो ए वाई है वो है एन अकाउंटिंग ईयर, और ई फॉर एंड एंड बी फॉर बिगिनिंग। जैसे कि हम लोग देखें कि स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हारा पास हुआ कितना, मशीन 7, और स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर मतलब 1 अप्रैल 2019 में कितना था तुम्हारे पास, 5। तो ये 7 से 5 माइनस किया तो तुमको क्या मिला, 2 मशीन। यही तुम्हारा है क्या, डेल्टा एस एफ ए। डेल्टा एस एफ ए मतलब क्या है, चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को ही हम लोग कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली हम लोग को क्या रेफर कर रहे हैं, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और उसका फॉर्मूला तुम लोग देख पा रहे हो जो नीचे लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट मे बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि तुम्हारा अगर 5 मशीन था अंत में 7 हुआ, तो इसका मतलब जरूर तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट से ही तुम री इन्वेस्ट किया, और उससे तुम क्या किया, नया मशीन्स खरीदा, और जब नया मशीन खरीद रहे हो इसका मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है,
तो हम लोग कह सकते हैं कि अपना कोई भी फार्म का प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, मतलब ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो किस पैरामीटर को देखते ही पता चल जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को देखते ही पता चल जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखे हैं, देखो फिक्स्ड एसेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इफ द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्रीजेस दैट मीन्स इट सिग्निफाइज दैट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द लास्ट पेज है, इसको हम लोग कह रहे हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। देखो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट का दो पार्ट है, वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है ना, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का साथ एक टर्म्स रेड कलर में लिखा हुआ है, देख पा रहे हो तुम लोग, इन्वेंटरी स्टॉक IS। क्या है ये ना, इट इज़ द समेशन ऑफ द अनसोल्ड फिनिश्ड गुड, जिसको हम लोग ए देकर रिप्रेजेंट किया है, सेमी फिनिश्ड गुड बी एंड रॉ मटेरियल सी विथ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, अब तुम जब कोई चीज़ बना रहे हो, लेट एज्यूम कि तुम्हारा बैग का एक इंडस्ट्री है, तुम बैग बना रहे हो, तो जब बैग बना रहे हो ना, तो बैग के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद चुके हो, तुम्हारे पास वहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स क्या है, मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या कर चुके हो, तुम मशीन, जिस मशीन में बैग बनेगा, बना रहा हो कौन, लेबर। अब ये बैग मशीन बैठ गया है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, अब ये लेके वो लोग बैग बनाना स्टार्ट किया। एक बैग बनाने का कहीं स्तर होता है, कहीं लेयर होता है, बैग को सिलाई किया जाएगा, उसमें चेन लगाया जाएगा, उसमें गेटअप जो लगाना चाहते हो फैशन के लिए वो लगाया जाएगा, उसका बाद वो खत्म होगा। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक साल में जितना बैग तुम 5000 बैग का रॉ मटेरियल खरीद के रखे हो, मतलब जितना रॉ मटेरियल तुम खरीद के रखे हो उससे 5000 बैग बन सकता है। लेकिन हम लोग ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर जाके देख रहे हैं कि तुम 1 अप्रैल 2018 में जितना 5000 बैग का रॉ मटेरियल खरीदा था, लेकिन 31 मार्च 2020 में जाके हम लोग देख रहे हैं कि 4500 बैग में बना पाया और 300 बैग अभी भी प्रोडक्शन में है, तब 4800 हो गया और बाकी जो 200 बैग है वो बैग का रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल गिरा हुआ है, वो मशीन में आया ही नहीं और 31 मार्च मेरा खत्म हो गया। इसका मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का एकदम एंड में आके हम लोग देख पा रहे हैं कि तुम्हारा हाथ में 4500 फिनिश्ड गुड्स है, उसका साथ कुछ अनफिनिश्ड गुड्स है, कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स है और कुछ रॉ मटेरियल है। अनसोल्ड जो फिनिश्ड गुड्स है, मतलब तुम्हारा ये जो 4500 फिनिश्ड गुड्स है, इसमें से 4000 समझ लो सेल हो गया, तो रह गया कितना ना 500। ये 500 अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, उसका साथ जो 300 तुम्हारा बैग अभी बन रहा है वो सेमी फिनिश गुड्स, और जो 200 बैग का रॉ मटेरियल गिरा हुआ है उसको हम लोग रॉ मटेरियल कर रहे हैं सी, ये तीनों को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इन्वेंटरी स्टॉक। अब देखो नाउ चेंज इन इन्वेंटरी स्टॉक दैट इज डेल्टा IS, कोई भी चेंज को हम लोग डेल्टा देके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर डेल्टा दिए हैं, डेल्टा देके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नाउ द चेंज इन IS दैट इज डेल्टा IS ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। तो सो हियर वी कैन कंक्लूड व्हाट, वी कैन कंक्लूड द अबव रिलेशन दैट इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू इन्वेंटरी स्टॉक एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंटरी स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। और इन्वेंटरी स्टॉक क्या है वो हम लोग ऊपर में IS में A+B+C का फॉर्मेशन में देखे हैं, तब ये फॉर्मूला से मेरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट निकाल चुका है। तो शायद तुम लोग को समझ में आ गया कि व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट डू मीन बाय इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग यहाँ पर अंत में आके ये कहना चाहते हैं कि वी हैव टू रिमेंबर दैट ऑल इन्वेंटरी स्टॉक एट अ टाइम मे नॉट बी व्हाट द प्रोड्यूसर डिजायर, अ पार्ट ऑफ इट मे बी अनडिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक। मतलब ये जो 5000 बैग के लिए तुम प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें खरीदा था उसमें से तुम 4500 बैग बना लिया, उसमें से 300 तुम्हारा बैग अभी बन रहा है, 200 का रॉ मटेरियल गिरा हुआ है, और 4500 जो फाइनल बैग बनाया था ना उसमें से तुम कितना बिक पाया, 4000, 500 बैग बिका नहीं। अब ये 500 बैग तुम जानबूझ के सेल नहीं किया, ऐसा नहीं है, ड्यू टू सम रीज़न, हो सकता है मार्केट में इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है या तो उस बैग का डिमांड सडनली फॉल कर चुका है, कोई अदर्स रीजन का वजह से वो 500 बैग तुम्हारा सेल नहीं हुआ। तो ये सेल होने का वजह ये नहीं है कि तुम जानबूझ के इसको सेल नहीं किया, ये तुम सेल करना चाह रहा था लेकिन कोई वजह से ये सेल नहीं हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं अनडिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक, ये हम लोग का डिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक नहीं है, ये अनडिजायर्ड है। अगर तुम जानबूझ के रखता कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैं इतना बनाऊंगा, मेरा टारगेट रहेगा इतना सेल करूंगा, लेकिन यहाँ पर तुम नेक्स्ट ईयर के लिए, इस ईयर के लिए ही इसको बनाया था लेकिन तुम सेल कर नहीं पाया या तो तुम्हारा बैग सेल नहीं हुआ, देन इट इज़ नोन एज अनडिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक आ रहा है इन्वेस्टमेंट का, दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वन इज़ नोन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज़ नोन एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का साथ तुम्हारा जो मेरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशन है, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का साथ मेरा जो रिलेशन, अभी देखो ये लास्ट पेज में हम लोग पढ़े जो तुम्हारा इन्वेंटरी स्टॉक का रिलेशन है, ये
आशा करते हैं तुम लोग का क्लियर हो गया। इसके ऊपर डिपेंड करके कोई न्यूमेरिकल भी देता है तो यू कैन यूज दोज फार्मूलाज। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है दैट इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तब इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है ना, सिंपली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम लोग शॉर्ट में GI कहेंगे और इसका मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेंटरी स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट का जो दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी स्टॉक का क्या था ना, चेंज था एक साल का दौरान, लेकिन वो एक साल का अंत में आके जो इन्वेंटरी स्टॉक तुम्हारा हाथ में रह रहा है, जिसका फॉर्मूला मेरा था A+B+C, और मेरा जो फिक्स्ड एसेट का ऊपर जो तुम एक्सपेंडिचर किया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो दिस इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स इन प्लेस ऑफ ओन आउट एसेट्स। सिंपली इसका मतलब क्या है ना, तुम एक साल में तुम्हारा 5 स्विंग मशीन था, उसमें 7 स्विंग मशीन हुआ, लेकिन मशीन जब कंटिन्यू चलता है तो नॉर्मल वेयर एंड टीयर का वजह हो सकता है, कुछ निडल टूटा है या तो कोई नट्स खराब हो गया है, तो तुमको वो सब चीज़ें मशीन को सही सलामत रखने के लिए और प्रोडक्शन एफिशिएंसी सेम रखने के लिए वो सब चीज़ को रिप्लेस करना पड़ा है, और रिप्लेस करने में तुम्हारा खर्च हुआ है, इस खर्च को भी डिप्रिसिएशन में लिया जाएगा। और इस खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। मतलब ये जो निडल टूट गया या तो कोई नट्स खराब हो गया, एक मशीन को सही सलामत रखने के लिए उसके ऊपर जो खर्च करो वो सब फिक्स्ड एसेट्स को चेंज करके, ओइंग टू देयर डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक नया टर्म आया, डेप्रिसिएशन। ये जो तुम खर्च कर रहे हो ना फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेसमेंट करने के लिए, जब वो खराब हो रहा है या तो उसका मेंटेनेंस के लिए या तो तुम्हारे एग्जिस्टिंग मशीन्स का कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी सेम रखने के लिए, इस खर्च को ही हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, एंड दैट डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। बट इट डज नॉट कॉज एनी नेट इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। मतलब तुमको यहाँ याद रखना पड़ेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मेरे एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल को नहीं बढ़ाता है, राधर हम लोग कह सकते हैं इट ओनली हेल्प्स टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। तुम्हारे पास 5 स्विंग मशीन है या तो 7 है, ये 7 सही सलामत रहे और इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो सेम रहे, ये मेंटेन करने के लिए जो मैं खर्च करता हूँ। अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स खराब होता है तो उसका रिप्लेसमेंट में, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं कहते हैं, और ये डेप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो मेरा हाथ में जो आएगा वो नेट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए तो तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो, वो सिर्फ मशीन्स का कैपेबिलिटी या एफिशिएंसी ठीक रखने के लिए कर रहे हो। अगर तुम्हारा मशीन खराब नहीं होता तो ये रुपया तुम्हारा प्रॉफिट में रह जाता, लेकिन खराब अगर तुमको वो मशीन्स का कुछ पार्ट्स खराब हुआ तो तुम्हारा प्रॉफिट ठीक रखने के लिए कुछ खर्च तो तुम्हारा प्रॉफिट का पार्ट से करना ही पड़ेगा कि मशीन का कैपेबिलिटी सेम रहे, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहें। इस खर्च को अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से बात देते तो तुम्हारे हाथ में क्या आता है, नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज नेट इन्वेस्टमेंट व्हिच इन्हेंसेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, नॉट द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट मेरा एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कभी भी कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो तुम्हारा एक प्रोड्यूसर का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है ये शो करेगा। इसका मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेंटेनेंस तक ही अपना बाउंड्री को लिमिट रखता है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट उसको छुड़ा के मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट किया हुआ सब खर्च होने के बाद हाथ में वो मुझे शो करता है। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक आया वो है इसी डेप्रिसिएशन जो मैं बात किया लास्ट पेज में, उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। क्या है ना, वाइल फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी प्लांट्स एटसेट्रा, जैसे अभी हम एग्जांपल दिए कि तुम लोग हम लोग एक मशीन में बैग बना रहे थे, यहाँ पर बैग ये मशीन का एग्जांपल ले लो, आर इन यूज़, जब यूज़ होता है दे गो डाउन इन वैल्यू। तो ये जो डेप्रिसिएशन मैं अभी बोला जो गो डाउन इन वैल्यू होता है उसका रीजन क्या है ना, नॉर्मल वेयर एंड टीयर पहला रीज़न है। मतलब जब एक मशीन को हम लोग यूज़ करेंगे तो नॉर्मल टाइम पास कर रहा है, इसका वजह से उसका खराबी होगा, मशीन का कोई कोई पार्ट खराब होगा जिसको रिप्लेसमेंट मांगेगा। नंबर टू क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस ब्रैकेट में लिखा हुआ है बियॉन्ड देयर रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मतलब एक मशीन का नॉर्मल, तुम्हारा बाइक है तो बाइक को सर्विसिंग तुमको कराना पड़ता है ना, कुछ सर्टेन किलोमीटर्स या तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर बेस करके मेंटेनेंस कराना पड़ता है। तो क्यों मेंटेनेंस करने से क्या वो बाइक तुमको ज़्यादा मतलब वो बाइक का क्या तीन तुम्हारा व्हील हो जाएगा या चार व्हील हो जाएगा, ऑब्वियसली नॉट, सेम बाइक रहेगा लेकिन उसका मेंटेनेंस करने से वो बाइक का जो एफिशिएंसी है वो इंटैक्ट रहने का संभावना प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाता है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशंस, ऑब्सोल्यूशंस टर्म है ऑब्सोल्यूट से, मतलब अभी देखो हम लोग जो आज से छोटा में स्कूटर देखते थे वो स्कूटर अभी कम यूज़ होता है और उसका जगह में बाइक और स्कूटी उसको रिप्लेस किया,
इसके मतलब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मतलब दिन ब दिन टेक्नोलॉजी जितना डेवलप हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, उसका साथ साथ जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी था वो ऑब्सोलीट होते जा रहा है। और ये ऑब्सोलीट अनएक्सपेक्टेड अगर हुआ देन इसको हम लोग डेप्रिसिएशन में नहीं लेंगे। जब तक ये जो ऑब्सोलेशन प्रोसीड्योर एक्सपेक्टेशन का अंदर रहा, मतलब तुमको मार्केट का ग्रोथ से पता चल रहा है कि दिन ब दिन पब्लिक का स्कूटर से ज़्यादा स्कूटी और बाइक का ऊपर टेंडेंसी बढ़ रहा है, तो कंपनी धीरे धीरे क्या करेगा, उनका जो प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूटर बनाने का, या तो उसको बंद कर देगा या तो उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा स्कूटी या बाइक बनाने में। तो हम लोग को शायद ये पता चल गया कि डेप्रिसिएशन का तीन कॉम्पोनेंट होता है, एक है नॉर्मल वेयर एंड टीयर, एक होता है नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, और एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस। ये तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा डेप्रिसिएशन का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस का बारे में अभी हम लोग देखे, तीन नंबर पॉइंट में तुम लोग भी देख पा रहे हो जो लिखा हुआ है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस मतलब जिसको तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, या तो कोई प्रोड्यूसर या फार्म एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी सडनली वैनिश हो जा रहा है, जिसके वजह से बहुत बड़ा अमाउंट लॉस उनको फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टेक्नोलॉजी ऑफ हो जाएगा। तो ये क्यों घटता है? ये होने का वजह फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटी हो गया, तुम्हारा प्री एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ तो मिट्टी का नीचे चला गया, बहुत बड़ा फ्लड हुआ, मशीन सब बह के चला गया, ख़राब हो गया। तो ये तुम एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब होगा, और ये सब होने के अगेंस्ट में तुम्हारे पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं है कि क्लेम करके तुम इसको क्लियर कर पाओगे। इसका वजह से क्या हुआ कि तुम इतना बड़ा रुपया को मेंटेन भी नहीं करते हो कि कभी ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं है। नेचुरल कैलामिटी इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, रूटीन लाइफ में होता नहीं है। तो इसके वजह से अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस अगर हो गया। नंबर टू, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशंस। इकोनॉमिक रिसेशंस का वजह से जो कमोडिटी जिस दाम में तुम प्रोड्यूस किया था, आज उस दाम में वो कमोडिटी सेल करने जा रहा तो कोई खरीद नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत फॉल कर गया। लेकिन तुम्हारा सेलिंग प्राइस से उसका इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल कर गया, देन यू हैव टू फेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ना लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये जो हम लोग लास्ट पढ़े दो पॉइंट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के ऊपर बेस करके, एक हुआ नेचुरल कैलामिटीज, दूसरा है फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशंस। ये बोल रहा है कि लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन का बाद एक नया टर्म हम लोग सीखे, दैट इज नोन एज कैपिटल लॉस, व्हिच आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड और DRF। ये डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है? ना बहुत सिंपल है, ये जो ऊपर में हम लोग डिप्रिसिएशन का बढ़ने पड़े थे ना, नॉर्मल वेयर एंड टीयर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस, इसके लिए एक प्रोड्यूसर या फार्म अपना पॉकेट में ऑलवेज कुछ फंड रखता है, अपना पास ऑलवेज कुछ फंड रखता है कि मेरा कोई निडल टूट गया तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मेरा बाइक चलाते चलाते पंक्चर हो गया तो उसको ठीक कराना पड़ेगा। लेकिन कभी भी मेरा बाइक चोरी हो जाएगा या तो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट में बाइक पूरा खत्म हो गया, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस। ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट एक्सपेक्टेशन में नहीं था, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन में था वो सबको जोड़ेंगे तो दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। और इस डेप्रिसिएशन का वजह से हम लोग साइकोलॉजिकली कुछ रुपया हम लोग के पास जमा रखते हैं, इसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का वजह से ही मेरा जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसका कोई प्रोडक्शन प्रोसीड्योर हैम्पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स कुछ खराब होने से, जैसे हम लोग एग्जांपल दिए कि निडल खराब हो गया, नाट खराब हो गया, तो मैं कुछ रुपया रखता ही हूँ, मैं सड़क फटाफट उसका नाट, उसका बाद उसका निडल, ये सब चेंज कर दिया और उसका प्रोडक्शन एफिशिएंसी सेम रख दिया, तो मेरा प्रोडक्शन जो प्रोसेस है ये ज़्यादा हैम्पर नहीं हुआ। लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस होगा ना, ये मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस को डायरेक्ट क्या करेगा, बहुत बड़ा फ्लॉप कर देगा, बंद कर देगा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं ना, कैपिटल लॉस, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्टली हैम्पर हो जाएगा इसका वजह से। इसके लिए डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो टर्म हम लोग यूज़ किए, इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, मनी वैल्यू ऑफ अ मशीन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन। मतलब समझ लो एक मशीन का लाइफ है 12 साल और उस मशीन का वैल्यू है 12 लाख, तो 12 लाख बाय 12 कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा उतना रुपया मैथमेटिकली इकोनॉमिक्स में हम लोग डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड के लिए रख सकते हैं। तो कोई एक दो नंबर का न्यूमेरिकल आया तो ये फॉर्मूला याद रखना, इस तीनों में से कोई दो दिया हुआ रहेगा, एक निकालना पड़ेगा, दो का वैल्यू बैठा देना, एक का वैल्यू ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। लास्ट हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन नहीं किए तो उसका वजह से क्या खराब हो सकता है, इफ यू विल नॉट मेंटेन द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड देन व्हाट हैपेंस, ना डायरेक्टली इट विल हैम्पर द इकोनॉमिक प्रोसेस एंड इट विल जस्ट स्लो डाउन द इकोनॉमी। इकोनॉमी को स्लो डाउन करेगा तो फास्ट इम्पैक्ट किसका ऊपर आएगा, इनकम का ऊपर, और इनकम एक लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगा। ये लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसने का वजह से क्या होगा, व्हेन एवर द पीपल व्हेन एवर देयर इज अ डिक्रीज इन द इनकम लेवल ऑफ द पीपल, ऑटोमेटिकली देयर कंजम्पशन पावर विल डिक्रीज, एंड एज वी नो दैट द समेशन ऑफ द कंजम्पशन पावर ऑफ द इंडिविजुअल पीपल मे बी रिगार्डेड एज द एग्रीगेट डिमांड।
So if the income decreases, then the consumption power of the people decreases, then the summation of the consumption power, that is the aggregate demand in the market, will decrease. As a result, as the demand will decrease, so the producer will decrease their output. That means they will not motivated to produce more. As a result, they will discourage the output, and as a result, output falls. And how they will fall that output? By curtailing the amount of engagement of the factors of production, that is land, labor, capital and organization. Output घटाने के लिए ये factors of production लोग छांटना start करेगा. जब छांटेगा तो automatically it will increase the unemployment, and whenever unemployment increases, तो people का हाथ में जो लोग unemployed हो गया उस लोग का income फिर घटना लगा, और ये एक continuous process में चला जाएगा और economy एक low level of equilibrium trap में फंस जाएगा. तो शायद आप लोग को ये समझ में आ गया है कि DRF कितना important है. इसका मतलब DRF, that is depreciation reserve fund, कोई भी बड़ा फार्म को ऑलवेज मेंटेन करना पड़ता है, और उसके लिए ये एक फार्मूला है. इस फार्मूला के ऊपर बेस करके इतना अमाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं. ये मेंटेन करने से हम लोग इकोनॉमिक प्रोसेस या प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोग डायरेक्ट हैम्पर नहीं होगा. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ रहे हैं, डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, और क्या नाम है डिप्रिसिएशन का? ना, डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या तो कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस. ये तीन नाम जानना जरूरी है. करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब करंट ईयर में कोई मशीन का कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने में जो खर्च किया उसी को रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, क्योंकि मशीन का कोई पार्ट खराब होना मतलब फिक्स्ड एसेट्स खराब होना, और उसी को हम लोग कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी कहते हैं. इस जगह में लास्ट जो जगह में हम लोग कंक्लूड करेंगे, दिस इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस क्या है? सिंपल, अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि डेप्रिसिएशन का वजह क्या है ना. इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. ये फिक्स्ड एसेट का वैल्यू क्यों घटता है? नॉर्मल वेयर एंड टियर, मतलब हम लोग यूज़ करते हैं तो वैल्यू घटेगा ही कोई मशीन का. पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जितना टाइम जाएगा एक मशीन का वैल्यू उतना फॉल करेगा. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशंस. जबकि कैपिटल लॉस का ये कोई वजह नहीं है. कैपिटल लॉस का वजह क्या है? नेचुरल कैलामिटी हो गया, थेफ्ट हो गया, आपका कोई चीज़ चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया बड़ा सारा, जो कि अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सिन ऑब्सोल्यूशंस कह सकते हैं. इसका मतलब डिप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशंस का बाउंड्री में रहता है, जबकि कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशंस का बाउंड्री में चला जाता है. और हम लोग अभी पढ़े कि डिप्रिसिएशन के लिए कोई भी कंपनी प्रिपेयर रहता है, इसीलिए वो लोग डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करता है एनुअल बेसिस में. लेकिन कैपिटल लॉस तो अनएक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए हम लोग कैसे करके फंड प्रिपेयर रखेंगे? इसीलिए देयर इज नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड. थर्ड, हम लोग देख पा रहे हैं इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब डिप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस का हैम्पर नहीं करता है. क्यों हैम्पर नहीं करता है? क्योंकि इसके लिए फंड हम लोग प्रिपेयर रखते हैं. लेकिन कैपिटल लॉस के लिए तो हम लोग का कोई फंड नहीं है. इसके वजह से सडनली अगर नेचुरल कैलामिटी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या तो बहुत बड़ा कोई चोरी हो गया, तो इसके वजह से मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली हैम्पर करेगा. और कैपिटल लॉस हैम्पर के लिए जो लॉस होगा, इसी को हम लोग कहेंगे कैपिटल लॉस. तो इसी के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का ये जो प्रेजेंटेशन, ये यहाँ पर ख़त्म होता है. और शायद आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का साथ एसोसिएटेड आपका सिलेबस में, उतना बहुत अच्छा से क्लियर हुआ. एंड थैंक यू अगेन फॉर हियरिंग दिस क्लास, एंड बाय बाय, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास.